नमः शिवाय में जो जो शब्द हैं, आइए हम लोग शिव पंचाक्षर स्तोत्र के माध्यम से अभी सुनेंगे कि ओम न म शी वा या, इनका कैसे कैसे अर्थ जुड़ा हुआ है। राग शिवरंजनी, ताल झपताल। संध्या जी आप लोग के सामने। नागेंद्र हाराय, नागेंद्र हाराय, त्रिलोचनाय
पंचाक्षर स्तोत्र नमः शिवाय, इसी पर यह स्तोत्र है। इसके व्याख्या मैं करूंगा, भी जानना जरूरी है। शिव परिवार को पहले देखें आप। शंकर जी हैं और पार्वती। ध्यान देना चाहिए, हम लोग मूर्तियों के पास बैठते हैं लेकिन भूल जाते हैं, अपना अपना दुख लेकर उसी में इतना परेशान रहते हैं, देवताओं का दुख कभी सुनते ही नहीं, न समझते हैं हम लोग, क्योंकि अपने स्वयं दुखी हैं तो दूसरे का दुख कैसे कोई सुनेगा और देखेगा। हमने कभी विचार नहीं किया शिव परिवार का कितना दुख है। शंकर जी क्या खुश थोड़े थे, प्रसन्न नहीं। शंकर जी इस परिवार में रहते हुए शंकर जी उब गए थे, इतना उब गए थे, भगवान से कहा कि अब दूसरी बार आऊंगा तो प्रभु इस रूप में नहीं आऊंगा। इसीलिए शंकर जी का अवतार एक ही बार हुआ, दूसरी बार कभी सुना नहीं आपने। आए तो शंकर जी क्या बन के आए, हनुमान जी बन के आए, क्योंकि राम उनके इष्ट थे। तो यहां भी आकर के क्यों उबे थे शंकर जी, क्या बात थी, क्या रीजन था? गणेश जी के परिवार में, शंकर जी के परिवार में गणेश जी, गणेश जी का वाहन चूहा, जानते हैं आप लोग। पार्वती कार्तिक जी का वाहन मोर, पार्वती का वाहन शेर, शंकर जी का वाहन नंदी धर्म,
वास्तव में नंदी जो हैं उनको साधारण मत समझिएगा। नंदी माने धर्म, अधर्म यानी साक्षात विष्णु। विष्णु स्वयं उनका वाहन बन के आए हैं। यहाँ तक कि पुराणों में कई बार कथा आती है कि कभी कभी विष्णु भगवान स्वयं धर्म से पूछते हैं, अधर्म जी उसका निराकरण करते हैं। ऐसे ऐसे गंभीर गंभीर बातें हैं। तो शंकर जी इसलिए उब गए थे। अब देखिए नागेंद्र हाराय, नागेंद्र हाराय, अभी अभी सुना आपने। नागेंद्र का अर्थ क्या होता है? जो सर्पों का राजा है वो किसके गले में है? शंकर जी के गले में पड़ा हुआ है। और शंकर जी का वाहन धर्म बैल, आप जानते हैं नंदी। पार्वती का वाहन शेर। आप क्या सोचते हैं कि कभी शेर का मन नहीं अटैक करने का करता होगा बैल पर, क्या कुछ मिला ना मिला इसी को खा जाए? ये होता था, झगड़ा होती, झगड़ा का घर था वहाँ, झगड़ा का भंडार था। यहाँ तक कि शंकर जी के गले में नागराज जो विराजमान थे, क्या गणेश जी का जो चूहा होगा उसके ऊपर नहीं लपटना चाहते होंगे? और जो मुर्गन है कार्तिक भगवान, उनका जो वाहन है मोर, क्या वो नहीं चाहता होगा सांप को खाना? क्या झगड़े से वंचित होंगे शंकर जी कभी? क्या परेशान नहीं होंगे? परेशान थे शंकर जी, इसलिए कहा कि अब मैं आऊंगा तो शंकर बन के नहीं आऊंगा। शंकर बनना आसान नहीं है, इसलिए शंकर जी हनुमान बन करके आए। आकर के भी ईष्ट अपना राम ही रखे, बदले नहीं। हनुमान जी के भी ईष्ट कौन थे? राम ही थे। और शंकर जी के ईष्ट राम जी थे। तो और मैं इस पर व्याख्या करूं, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, मैं दूंगा टाइम आप लोग अभी। हाँ अभी टाइम मिलेगा थोड़ा, मैं भी कुछ बोलूं। हाँ, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नकार नौ से ये स्तोत्र बनाइए, ये श्लोक बना। यानी शंकर जी के गले में नागेंद्र हार, हार जो है नागेंद्र यानी नागों का राजा विराजमान है शंकर जी के जो गले में, उसको जो धारण किया है शंकर जी ने। और क्या त्रिलोचनाय, लोचन किसको कहते हैं? लोचन शब्द हम मैस्कुलिन जेंडर है, आंख जो है फेमिनिन जेंडर है। लोचन, लोचन माने आंख, नेत्र मैस्कुलिन जेंडर है। तो ये तीन नेत्र वाले हैं, एक नेत्र को छिपा के रखते हैं वो शंकर जी, और जब खोलते हैं तब तो कुछ उनके सामने कुछ रह ही नहीं जाता है। तीसरा नेत्र खुलता है तो भस्म जो सामने आ जाए उसको छोड़ते नहीं, जला के राख कर देते हैं शंकर जी। श्री त्रिलोचन आय भस्मांग रागाय महेश्वराय त्रिनेत्रधारी समस्त शरीर भस्म से जो विभूषित है, अलंकृत है, ऐसा भस्म लगाए हैं कि देखने में खराब नहीं अच्छा लगता है। कैसे शंकर जी हैं और महेश्वर रूप में जो विराजमान है, नित्य है, जो अनित्य है वो नित्य है शंकर जी, शुद्ध हैं। राखी श्मशान के लगाते हैं फिर भी शुद्ध हैं, उनके यहाँ जाने पर शुद्ध थोड़े कुछ रहेगा। उनके सानिध्य में जाने पर सारी चीजें पवित्र हो जाती हैं। और दिगंबर भी हैं, दिगंबर आय, कपड़ा लता नहीं पहनते हैं। ऐसे शंकर जी को क्या करते हैं? तस्मै नकाराय नमः शिवाय, ऐसे शंकर जी को नमन करता। दूसरा श्लोक है, मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। मंदार, मंदाकिनी सलिल, मंदाकिनी गंगा जी को कहते हैं, मंदाकिनी गंगा जी को कहते हैं।
गंगा जी के जल एवं सुगंधित चंदन से जो पूजित हैं ऐसे शंकर जी, ऐसे भी देखिए शंकर जी का और बृहद रूप में चर्चा करें तो अब शंकर जी के देखिए शरीर में क्या क्या है। शंकर जी यहाँ गंगा जी को धारण किया है उन्होंने। कुछ लोग पूछते हैं कि ये गंगा जी क्यों वहाँ चले गए, अरे दूसरा कौन उनके बेग को रोक नहीं सकता था। शंकर जी के लिए भगीरथ ने तपस्या किया कि आप ही रोक सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बताया था कि शंकर जी यदि तैयार हो जाए तब तो गंगा जी के बेग को कोई रोक सकता है। शंकर जी की कृपा हुई तब शंकर जी ने जटा में लपेट लिया गंगा जी को। भगीरथ ने प्रार्थना की हमारे पूर्वज कैसे तैरेंगे, इसलिए एक लट को खोला तो वही गंगा जी आपको हिमालय से लेकर के और भागीरथी यानी जाकर बंगाल में जाकर वही गंगा जी देखने को दर्शन करने को मिलती है, वही एक लट। और गंगा जी को लपेट कर रखा है अपने बालों में जटाओं में शंकर जी ने। तो गंगा जी शंकर जी बड़े गर्म मिजाज के हैं ऐसा समझें, आपकी भाषा में बहुत जल्दी क्रोधित होते हैं, क्रोधित होते हैं तो तीसरा नेत्र खुलता है तो प्रलय हो जाता है, इसलिए शंकर जी इनको जटाओं में रखें कि सिर ठंडा रहे, सिर ठंडा रहेगा तो हम भी ठंडे रहेंगे। फिर भी कहा कि चंद्रमा भले तू कलंकित हो गया, तुम्हें दोष लगा, तू देवताओं में घृणित हो गया, लेकिन हम तुमको अपने सिर पर धारण करते हैं, कम से कम ठंडापन तो देगा मेरे यहाँ, मेरा मस्तिष्क तो ठंडा रहेगा। इसलिए चंद्रमा कलंकित होते हुए भी शंकर जी ने उसको अपने सिर पर धारण किया ठंडा रखने के लिए, ठंडा करो तुम्हारा सारा दोष मैं माफ करता हूं। इसलिए ठंडा रखने के लिए चंद्रमा को लगाया रखा यहां पर, तो चंद्रमा इनके यहां विराजमान है, तो इसलिए चंद्रमा का महत्व बढ़ गया। दुज के चांद का दर्शन करते हैं, दुज के शंकर जी की पूजा नहीं भी हो पाई, दुज के चांद को दर्शन कर लीजिए। चंद्रमा कलंकित एक दिन बच गया केवल, वो कब, भादो महीने की चतुर्थी तिथि के दिन, भादो महीने की चतुर्थी तिथि के दिन, दूसरे दिन इस पंचमी की कथा होती है। हमारे गाँव में प्राय पता ना आप लोगों के यहाँ कैसे क्या सिस्टम है, सिस्टम है इवन साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया हर जगह। और पांडे जी आपके यहाँ चंद्रमा को कोई देखता है तो क्या होता है, दुज नहीं भादो वाले चौथ के चांद को पंचमी के दिन उसका परिहार के लिए कुछ उपाय करते हैं आपके यहाँ, अच्छा भूल गए बहुत दिन से, हाँ बहुत दिन से गांव छूट गया होगा। हमें याद है कि क्या करते थे पता ना, पंडितों में भी एक महापंडित होते हैं ना, तो कहते हैं अरे दोष का निवारण हो जाए एक दूसरे के घर में पत्थर फेंक दो, पंडितों में महापंडित लोग होते हैं ना, पत्थर फेंक दो तुम्हारा दोष शांत हो जाएगा। अरे ये कहाँ लिखा हुआ है, कोई ये परिहार का उपाय है, ऐसे झगड़ा होता था। मैं याद है छोटा मैं था गांव में, हल्ला होता था कि पत्थर किधर से आया, पत्थर किधर से आया। मैं कहा कि अरे ये तो ये ऐसा अब शायद समाप्त हो गया होगा, लेकिन हमें याद है कि जो देख ले चंद्रमा को उस दिन तो प्राय लोग पत्थर फेंकते थे। लेकिन इसका परिहार का उपाय से ये नहीं है, परिहार तो यही है स्मंतक मणि की कथा सुने, श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा है, परिहार का उपाय यही है, दो शांत हो जाता है। बहुत लोग उस दिन क्या करते हैं कि हम सिर ऊपर नहीं करेंगे, पश्चिम की तरफ जाएंगे गाड़ी लेकर के, अक्सर दिखाई देते थे चंद्रमा, अक्सर होता है ऐसे नहीं दिखेंगे चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है दुज के चंद्रमा इनके सिर पर विराजमान है कि शंकर जी का मस्तिष्क जो है शांत रहे, इसलिए ऐसे शंकर जी चंदन से जो पूजित हैं, नंदी जिनका वाहन है नंदीश्वराय प्रमथनाथ महेश्वराय, वाहन नंदी हैं और प्रमथ गणों के स्वामी हैं, प्रमथ गण जितने हैं उनके स्वामी हैं नंदीगण, और महेश्वर रूप जो भगवान शंकर जी है मंदार पुष्प से, मंदार उसको कहते हैं जानते हैं आप लोग ना, आकमन जो होता है आकमन को मदार भी कहते हैं, आकमन पुराना हो जाता है उसका नाम मदार हो जाता है। फिजी में मैंने देखा है, फिजी में खूब है, इंडिया में तो भरमार है,
दिल्ली अब एयरपोर्ट की तरफ से जाइए, अगल बगल देखिए वहीं से मदार खूब दिखाई देगा, अब जंगले है वहां से। तो उसका दूध यहां तक कि आपके आंख में अखिजनी हो जाए ना, अखिजनी जो होती है ना, उसका दूध आंख में लगाने से तो आंखें चली जाएगी, नाभि में जिसको आंख आ जाए तो लालिमा हो जाती है। तो उसका निवारण यही है कि उसका दूध जो है वो तो जैसे तोड़ेंगे दूध खूब निकलता है उसे, नाभि में एक बार लगा दें और खिजनी लाइफ में होगी ही नहीं, उस रोग का निवारण ऐसा। मैंने फिजी में कई लोगों को बताया, अब उसके बाद बीमारी हुई नहीं, ऐसा है जो है अकमन मदार जो है उसका महत्व ही है। तो वही कहते हैं कि मंदार पुष्प से जो सुपूजित शंकर भगवान हैं, अब कोई खा पी ले तो बौरा जाएगा, पागल हो जाएगा, वैसा है। हाँ, उसका बीज बड़ा डेंजरस है। ऐसे शंकर जी को नमस्कार है, तस्मै मकाराय नमः शिवाय, मकार रूप शंकर जी को नमन करता हूँ। और इसके बाद कहते हैं शिवाय गौरी बदनाब जबृंद श्री नील सूर्याय दक्षाधुरनाशकाय श्री नीलकंठाय बृहद्वयाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। शिव शिव माने कल्याण, शिव का अर्थ होता है कल्याण, जो कल्याण करे। शंकर जी की पूजा करने से कल्याण होता है, इसलिए शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। कल्याण स्वरूप जो भगवान भूत भावन शंकर हैं, पार्वती के पार्वती मुख कमल को विकसित करने वाले सूर्य के सदृश हैं भगवान भूत भावन शंकर जी, सूर्य रूप हैं। कमल का फूल कब खिलता है? जब सूर्योदय होता है। सूर्योदय नहीं है तो कमल विकसित नहीं होता है। तो पार्वती रूपी कमल मुख को विकसित करने के लिए सूर्य रूप जो भगवान भूत भावन शंकर जी हैं, दक्ष के यज्ञ के विनाशक, दक्ष ने यज्ञ किया था उसके यज्ञ को विध्वंस कर दिया शंकर जी ने, शंकर जी के गण गए सब ने विनष्ट कर दिया, क्योंकि शंकर जी की पूजा जिस यज्ञ में ना हो यज्ञ यज्ञ थोड़े है। इसलिए शंकर जी के गण गए, उसके आचार्य वहां थे भृगु मुनि भी थे, भृगु मुनि की दाढ़ी लंबी लंबी थी, उनको नचोड़ चोड़ के फीट फाड़ करके कुंडे में उधर डालने की तैयारी कर रहे थे, न रहेगा मांस ना बांसुरी भजेगी कहावत। तो ऐसे त्राहि त्राहि हो गया शंकर जी की पूजा न होने के कारण। शंकर जी प्रसन्न हैं तो सब देवता प्रसन्न हैं। तो यज्ञ यज्ञ के यक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने वाले विनाशक भगवान शंकर गरल पान से नीलकंठ हो गए। नीलकंठ कैसे बने? जहर पिया उन्होंने, जहर पान किया, इसलिए यही रोक लिया। और नीचे जाएगा तब ना कुछ असर होगा, वैसे यही रोक लिया, कोई रोकेगा? हम लोगों में किसी में सामर्थ है कि ले पी करके या रोक ले? शंकर जी के पास पावर था इतना, यही रोक दिया कि नीचे मत जाओ, स्टॉप हियर, यहीं पर रुक जाओ, रुक गया ये। इसलिए यहां पर काला नीला हो गया, इसलिए क्या नाम पड़ा इनका? नीलकंठ। नीलकंठ नाम पड़ा। नीलकंठ का स्थान हरिद्वार के पास जाएंगे, हरिद्वार से आगे तो वहां भी जाएंगे, दर्शन कर सकते हैं आप लोग, कभी जब जाएं तो जरूर दर्शन करें। तो ऐसे नीलकंठ स्वरूप विकप ध्वजा वाले ऐसे शंकर जी को नमः शिवाय नमन करता हूँ। तस्मै शिकाराय नमः शिवाय, ऐसे शंकर जी को मेरा नमस्कार है। वशिष्ठ कौम्भोद भवगौ तुम्हार्य मनिंद देवार्जित शिखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ जी का नाम आप सभी जानते हैं, कौम्भोद भव, वशिष्ठ कौम्भोद, कौम्भोद कुंभ कहते हैं घड़े को, उद्भव मैंने जो प्रकट हो, जो खड़े से प्रकट हो, अर्थात कौन? अगस्त जी। घड़े से कौन प्रकट हुए थे? अगस्त ऋषि घड़े से प्रकट हुए थे। अरे शंकर जी को वही कथा दक्षिण भारत में सुनाए थे, जब शंकर जी सती के साथ जब गए थे दक्षिण में, तो जा करके अच्छे स्थान पर बैठाया और कहा अगस्त ऋषि ने कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपका समागम हुआ है, आपका समागम मेरा अहो भाग्य कि आप कथा सुनने के लिए, राम कथा श्रवण करने के लिए आप
आए पधारे हुए हैं, मेरा इससे बढ़ के आओ सौभाग्य हो सकता है, बैठे। लेकिन सती जो बैठी थी, सती के मन में ये चिंता हुई, अरे ये कथा क्या सुनाएगा, ये तो इनकी बड़ाई कर रहा है, इनकी बड़ाई कर रहा है, या इनसे बड़ा है कौन, तो महादेव है, इनसे बड़ा राम कहाँ हो सकते हैं। वैसे बैठी थी, हटी नहीं वहां से सती, लेकिन मन लगा नहीं। जैसे कैसे बहुत लोग कथा में बैठते हैं, लेकिन बहुत लोगों का मन, बहुत मन तो ऐसे ही खूब उड़ता है, वो जैसे प्लेन में आदमी उड़ता है ना, वैसे ही मन प्लेन में तो थोड़ा टिकट कटाना पड़ेगा आपको, इमिग्रेशन में जाने का, सिक्योरिटी में जाना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा। लेकिन मन, मन को तो भेजने में टाइम नहीं लगेगा, मन तो यहाँ अभी फिजी चला जाएगा, इंडिया चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा। उसी तरह से क्या हुआ कि बैठी थी सती, लेकिन कथा नहीं सुनी, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होगा तो कहाँ से बात अच्छा लगेगा ना, बात अच्छी नहीं लगेगी, सुनी नहीं कथा। कथा सुनने के पश्चात जब शंकर जी चले वहाँ से, तो भगवान का अवतार हो चुका था गोपनीय ढंग से, ओपन नहीं था कि भगवान है राम जी, गुप्त रूप से भगवान का प्रकट हुआ था, और सती साथ में थी, इसलिए ओपन नहीं किया, मन में ही नमन किया, जय सच्चिदानंद कह के नमन किया उन्होंने। तब बड़े फेरे में पड़ गई और कहा कि ये तो पत्नी के लिए रो रहा है, वृक्षों से पूछ रहा है, तुमने देखा सीता को कहाँ, सीता है, ये ईश्वर कहाँ हो सकता है, ये सच्चिदानंद कहाँ, सच्चिदानंद कहाँ हो सकता है, हो नहीं सकता है, पूछ ही दिया उन्होंने। और कहा कि ये कौन है, कहा कि यही हमारे इष्ट, हमारे इष्ट है यही। विश्वास नहीं हुआ, पति का विश्वास पत्नी ना करे तो प्रलय नहीं होगा घर में, बताइए प्रलय होगा, यही हुआ। कहा कि विश्वास नहीं है, विश्वास के देवता बोल रहे हैं, शंकर जी विश्वास के देवता हैं, विश्वास दिला रहे हैं, पत्नी को विश्वास नहीं हो रहा है। कहा कि टेस्ट कर सकते हैं आप जाके, टेस्ट किया, और टेस्ट में भी अब देखिए कैसा टेस्ट है, और रूप कुछ और धारण कर सकती थी, सीधे डायरेक्ट सीता मैया बन गई। लक्ष्मण जी ने पहले ही देख लिया, कहा कि अरे पगला गई है क्या, अब थोड़ा राउंड लेके जा रही है, अब लक्ष्मण तो पीछे है ना, तो फिर राउंड लेके आगे से, कहा आगे से जाऊं तो सीधे डायरेक्ट आंख में आंख मिलेगी ना, सीधे गए। अरे मातेश्वरी कह करके भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने नमन किया कि आप अकेले जंगल में कहाँ हैं, भगवान भोले बाबा कहाँ हैं आप अकेले जंगल में, अब तो इनका एक्स वाई जेड हो गया, ना ऊपर देखे ना नीचे, आंख मुदी तो वही राम लक्ष्मण सीता का दर्शन हो रहा है। कहा कि अब शांति नाम की चीज नहीं बनी। नतीजा ये हुआ कि किसी किसी जैसे तैसे गई वहां, शंकर जी ने पूछा क्या परीक्षा हो गई, कहा कि नहीं परीक्षा के लिए नहीं गई थी, वहां भी झूठ। अब देखिए शंकर जी ने ध्यान लगाया, जैसे कैमरा में दिखता है सब कुछ ना, वैसे सब दिख गया। कहा कि अब तो हमारी माता बन गई, अब इस लाइफ में अब कहाँ पत्नी बन सकती है, मन ही मन संकल्प किया, ऊपर से आकाशवाणी हुई, जय घोष हुआ, धन्य है शंकर जी आपका, आपका जो प्रण है, आपका जो संकल्प है धन्य है, करके नमन किया, जय जय घोष हुआ, और समाधिस्थ हो गए भूत भावन शंकर जी। कथा में ये बोल रहा था, वशिष्ठ जी की चर्चा, वशिष्ठ कुंभोद्भव भवगौ तुम्हारी चर्चा आई है, कुंभ माने घड़ा, घड़े से जो प्रकट हुए से कौन, अगस्त ऋषि कथावाचक वो भी है, उन्होंने भी कथा सुनाया था, उस कथा को शंकर जी ने सुना जाकर के कथा, शंकर जी कैसे वक्ता हैं कि स्वयं कथा श्रवण भी करते, यहां तक कि हिमालय में, यहाँ तक कि कागभुसुंडी जी भी कथा करते हैं, तो वहां जाकर के शंकर जी कहीं कहीं हंस बन करके भी कथा सुने हैं, ऐसी हमारे भूत भावन शंकर जी हैं। तो वशिष्ठ जी, अगस्त ऋषि, गौतम आदि महर्षियों द्वारा जो शंकर जी पूजित हैं, जिनकी पूजा होती है,
इंद्राद प्रमुख देवता जो हैं, देवताओं में जो अपने मस्तक की पूजा कराने वाले हैं, सूर्य चंद्र अग्नि स्वरूप त्रिनेत्रधारी भगवान भूत भावन, ऐसे शंकर जी को नमः शिवाय नमन करता हूँ, मेरा नमस्कार है। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय तस्मै दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूप धारी, कभी कभी यक्ष का रूप भी शंकर जी ने धारण किया, इसीलिए यक्ष का रूप धारी बताया गया है। जटाधारी की जटा फेमस है, आप जानते हैं, जटा में ही शंकर गंगा जी को लपेट दिया। और अपने कर कमलों में धनुष धारण किए हुए सनातन अति प्राचीन रूप जो है, दिव्य रूप दिगंबर भीष्मधारी भगवान शंकर जी को हम नमन करते हैं। अब फलश्रुति में पंचाक्षर विदम पुण्यम, ये फलश्रुति है, इस स्तोत्र का पाठ यदि करेंगे आप या श्रवण करें कि क्या लाभ है। फलश्रुति में पंचाक्षर विदम पुण्यम यह पठित शिव सन्निधौ शिवलोकम वाप्नोति शिवेन सह मोदते, इसका पाठ भी यदि करें सुने बड़ा लाभ होता है। क्या लाभ होता है? जो भक्तगण अपने आराध्य देव जिनकी शंकर जी हैं, वो भक्त यदि पाठ करें या श्रवण करें, सब कुछ प्राप्त हो सकता है, इसमें संशय नहीं है। इस पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करते हैं अंत में, कहाँ जाते हैं वो? और कहीं नहीं जाएंगे, जो प्रतिदिन पाठ करते हैं वो कहाँ जाएंगे? सीधे शिवलोक में जाएंगे। शिवे न सह मोद शिवलोकम वापनोति शिवे न सह मोद, शंकर जी प्रसन्न होकर कहेंगे और कहीं मत भेजो, मेरे सीधे धाम में बुलाओ। ऐसे ये पंचाक्षर स्तोत्र का अर्थ मैंने सारांश में समझाया। बोलिए शंकर भगवान की।